चंपावत में रीठा साहिब जा रहे दर्शनार्थियों से लदौली क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में कोतवाली चंपावत पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, शनिवार को स्कूल बस, एक कार व एक बाइक से शैक्षिक भ्रमण पर सितारगंज से रीठा साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए जा रहे थे। लदौली नामक स्थान पर संजय सिंह फरतियाल, दीपक और उनके 7 से 8 अन्य साथियों ने वाहन रोक कर धारदार हथियारों, पत्थरों और लाठी डंडों से स्कूली बच्चों और उनके साथ आए तीर्थ यात्रियों पर हमला बोल दिया। हमले में भूपेंद्र सिंह, अर्थदीप सिंह निवासी सितारगंज चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने स्कूल बस सहित अन्य वाहनों में पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी लोगों ने जंगल की ओर भागकर अपने आप को बचाया। मुकदमे में 2 लोगों को नामजद किया गया है। आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। रविवार को सिख संगत ने चंपावत में कोतवाल से मिलकर तीर्थयात्रियों के साथ हुई मारपीट के मामले में जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जल्द से जल्द जांच और शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।